गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी फर्स्ट से चैप्टर नंबर 15 नौकर पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं अनूप बंदोपाध्याय। नौकर कहानी जो है इसमें महात्मा गांधी से संबंधित बातें हैं। आश्रम में महात्मा गांधी कैसे रहते थे, किसी भी काम को, उनके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं होता था, कोई भी काम छोटा नहीं होता था। उनके लिए जात पात कुछ नहीं था, ना कोई मालिक था ना कोई नौकर था। तो ये शीर्षक है इस कहानी का, नौकर। आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो आश्रम में गांधी कई ऐसे काम किया करते थे जिसे आमतौर पर नौकर चाकर ही करते हैं। आश्रम में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता सारे काम करते थे जिसको अक्सर नौकर ही किया करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी की हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री से वो हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी उनका हाथ बटाते थे। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी और उनके बेटे भी उनका सहयोग करते थे चक्की से आटा पीसने में। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लिया करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। यहाँ तक कि साबरमती आश्रम में भी उन्होंने आटा पीसने का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत भी किया करते थे। जब चक्की खराब होता था तो खुद ही मेहनत करके चक्की को सही करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पिसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। गेहूं की जब पिसाई होती थी, जब पिसते थे तो उसको बीन करके साफ करते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उससे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को कभी भी शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कुछ छात्र मिलने उनसे आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा ही गर्व था। वो छात्र जो थे उनको अपने अंग्रेजी भाषा पर गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूँ तो कृपया मुझे बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात को ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं को बीन डालिए। जिस थाली में वो गेहूं बीन रहे थे तो बोले कि अगर आपके पास टाइम हो तो इस थाली के गेहूं को ही बीन दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार को संभालने का भी काम किया। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते थे तो उसे भी अपनी साथियों को आड़े हाथ देते थे और खुद साफ करते थे। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा मान लिया। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिया गया है कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। ये दाग लगे हुए केले जो है वो हाजमा ठीक करता है, तुमको जल्दी पच जाएगा। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण में बेचारे बेस्वाद उभरी हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का यह एक नियम था कि सारे लोग अपने बर्तन खुद ही साफ करें। रसोई में बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बदल कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख था। राख भरे हाथों में वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गए। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया, जो पीतल का पतीला था उसको पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को मैं बहुत बहुत से लोग अभी यहाँ हैं,
ये काम आपका नहीं है, छोड़ दीजिए। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेंगे, उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न चमचमाते न बर्तन एकदम एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। बर्तन में कालिख लगा हो तो गांधी जी को पसंद नहीं था और उसको चमचमा के वो रखते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी माँज माँज कर चांदी जैसा समझ कर देते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ पर रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने लग गया कि कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए लिए चले जा रहे हैं। उसने अभी पता लगाने की कोशिश की तब तक गांधी जी उसका बिस्तर लेकर के जा रहे थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज किया करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ और चक्की पर आटा घिसने के काम में हिस्सा बांट चुके थे। उन्होंने एक साथी से उन्हें थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से भी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी उनको लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपना काम क्यों दूसरे से करवाया है। गांधी जी ऐसे थे, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनके अनुसार शरीर से पूरी तरह अस्वस्थ हो, लाचार हो, तभी वो बिस्तर पर पड़े, ऐसे थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान तो उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक उनको ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर वह दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर से बना हुआ कुछ नाश्ता अपने साथ सुबह 2 बजे ही लेकर निकल पड़ते थे। शहर से खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके साथ इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथ लगे हुए थे। गांधी जी भी साथ लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौट रहे थे तो गांधी ने उनके लिए दस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैं नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में उनको निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय भी किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और दस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और कुछ अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो यानी गांधी जी पहले ही आ गए थे और उनके कामों में खुद ही मदद करने लगे थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौट रहे थे तो रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बहा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से झाड़ू ले ली। जब गांधी गाँव का दौरा कर रहे होते उस समय रात
वो यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में भी पत्र पूरा कर लेना ही पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को वो जगाते नहीं थे। नवाखली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि उनको बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी उस समय भी गांधी जी बहुत ही चुस्त दुरुस्त थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का तैयार प्यार और देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वो चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उन्हें पिला दे, लेकिन उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का के दूध का आदत छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की यानी आयरन किया। वह उनका बिस्तर ठीक करते, उनको भोजन परोसते और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते। गोखले बहुत मना करते थे कि ऐसा इतना मत किया करो, लेकिन गांधी नहीं मानते। महात्मा कहलाने से वह बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भी गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए यानी लैट्रिन साफ किया और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर हो, यानी मैं मेरे दायरे में जितने भी काम आते हैं वो सब मैं करने को तैयार हूँ। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी कर दिया और वो खुश भी हो गए। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, उनके अपने भाई के समान हमें मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। किसी को भी वो नौकर की भांति नहीं रखते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनको फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उसके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने यह देखकर बहुत खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया था। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता।
समझता, उन्हें अपना भाई बहन ही मानता और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल जरूर देंगे। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू। वो कभी किसी नौकर को नौकर नहीं समझते थे, उनको अपना भाई समझते थे, भाई मानते थे। अनुबंधोपाध्याय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। हमारी ये जो राइटर हैं वो गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। उन्होंने कलेक्टर बॉक्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट में भी काम किया। बहुरूपी गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों की चर्चा की है, रोचकता से लिखा है, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता के निर्माता नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन में उन सीखों को उतारने का मौका मिलता है। तो ये थे हमारे बापू। आप इनको अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।